शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है, इंतजार बजट का है, इस पर फोकस रखेंगे अपने इस खास बुलेटिन में। लेकिन पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से दिल दहलाने वाली वारदात। नारायणगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। रिटायर्ड फौजी पर भाई के परिवार की हत्या का आरोप है। आरोपी ने शवों को जलाने की कोशिश भी की। अधजले शवों को अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची है। जमीन विवाद में परिजनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोपी मौके से फरार हो गया, पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के अंबाला से नारायणगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। रिटायर्ड फौजी पर भाई के परिवार की हत्या करने का आरोप लगा है। तारा ठाकुर लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। तारा, ये घटना कब की है, कब पता चला कि इस घटना को अंजाम दे दिया गया है और अभी क्या जानकारी है, विस्तार से बताएं तारा। जी बिल्कुल, देखिए अंबाला के नारायणगढ़ में जो रातौर गांव है, वहां पर एक भाई ने जमीनी विवाद के चलते जो है अपने भाई के ही पूरे परिवार को खत्म कर डाला। 5 लोगों की जो है तेज धार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपी का भाई, उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और मां शामिल थी। और बड़ी बात यह है कि आरोपी के द्वारा हत्या करने के बाद उन शवों को जलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक जो है आरोपी फरार हो चुके थे। और मौके से जो है पुलिस को अर्धजली लाशें मिली, जिसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए अंबाला कैंट के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर SP अंबाला के द्वारा कई पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है। इस सारे मामले का जो मास्टरमाइंड था आरोपी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि इस हत्याकांड में आरोपी की पत्नी और उसका साला भी शामिल था। और अब ये देखना होगा कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के पीछे जो मुख्य कारण था वो जमीन का विवाद था। जानकारी ये मिल पा रही है कि जो रातौर गांव है वहां एक डेरा है, जहां पर दोनों भाइयों का घर सामने सामने है और जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता था। और कल देर रात जो है आरोपी भाई ने जो है अपने भाई के जो पूरे परिवार को खत्म कर डाला। एक दुखदायी घटना है, पूरे गांव में जो है एक डर का माहौल है, क्योंकि 2 सगे भाई जो थे ये बताए जा रहे थे और एक भाई ने जो है पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस हादसे में जो है 2 लोग, एक जो आरोपी का पिता है और एक छोटा बच्चा जो 8 साल की गुड़िया बताई जा रही है, वो गंभीर रूप से घायल है, उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी घटना है इस इलाके में, इससे पहले कोई ऐसी घटना सुनने को नहीं आई थी। एक साथ परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया गया और उसके बाद जलाने का प्रयास किया गया। जी, कितनों को घायल किया है इसने, और ये भी बताइए कि अगर रिटायर्ड था ये तो आजकल क्या कर रहा था, क्या केवल घर पर ही रहता था या कुछ काम भी करता था? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें मिल पाई है कि जो आरोपी है वो रिटायर्ड फौजी था और उसके बाद जो है गांव में ही खेती का काम करता था। और लंबे समय से दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, भाइयों में झगड़ा भी हुआ है। और जो भाई जो जिसकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, वो अपने माता पिता के साथ रहता था। तो जब हमला किया गया उस समय जो है मृतक के माता पिता भी थे, बच्चे थे 3 छोटे, जिनमें से 2 की हत्या कर दी गई। एक जो 8 साल की गुड़िया थी उसको पूरी तरह से घायल कर दिया गया और उसके बुजुर्ग पिता को घायल कर दिया, लेकिन 5 लोग जो है नहीं बच पाए, जिनको मौत के घाट उतार दिया। तो एक बड़ा मामला है, इसको लेकर जो अंबाला के SP हैं वो एक एक जो मूवमेंट है, कार्रवाई है, उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है नजर बनाए हुए हैं SP अंबाला। जी, ये धारदार हथियार से हत्या की है या फिर इसने बंदूक का या राइफल का इस्तेमाल किया है? हाँ जी बिल्कुल, जो हत्या की गई है, जो जानकारी मिल पा रही है वो अभी यही मिली है कि जो तेज धार हथियार था जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस अधिकारी जो है खुलासा करेंगे कि कौन सा ऐसा हथियार था जिससे 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसको लेकर अभी जो है पुलिस अधिकारी जो पुष्टि है किस हथियार से हत्या की गई है ये नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 हत्याएं हुई हैं वो किसी ना किसी तेज धार हथियार से ही की गई हैं, क्योंकि काटा गया और उसके बाद जलाने की कोशिश की गई। और जब सरपंच को पता लगा कि इस तरह के 5 लोग मार दिए गए हैं, उन्होंने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो चुका था। जी,
मौके से आरोपी फरार हो चुका था। इस बारे में पुलिस का आप क्या कहना है, कहां से गिरफ्तार किया गया है इसे, अगर गिरफ्तारी हुई है, और क्या कुछ अभी तक बता पाया है पुलिस को कि जमीन के अलावा और क्या वजह थी? क्योंकि आपने कहा कि वहां पर इसने माँ की भी हत्या की, कायदे से तो माँ इसकी भी माँ हुई। जी बिल्कुल, सगे भाई थे दोनों, और जो माँ थी वो दूसरे भाई के साथ रहती जिनकी हत्या की गई है। तो पूरा जो मामला था वो जमीनी विवाद को लेकर था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी मीडिया के समक्ष जो है जानकारी साझा नहीं की है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। 5 लोगों की हत्या की गई, जलाने की कोशिश की गई। अब जो है पूरी इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, पूछताछ में कई खुलासे होंगे। जब पूछताछ पूरी होगी उसके बाद मीडिया को रिपोर्ट दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी कि पूरा जो ये कांड किया गया किस तरह से किया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, और मुख्य मकसद जमीनी विवाद था या कुछ और भी था। जी ठीक है तारा, बहुत शुक्रिया, ज्यादा जानकारी मिलेगी तो एक बार फिर आपका रुख करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, खबर आ रही है बड़ी।